नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक जेनर डायोड और एक आईसी, मतलब जेनर डायोड से कैसे हम लोग वोल्टेज रेगुलेट करके कम कर सकते और एक आईसी से कैसे हम लोग वोल्टेज रेगुलेट करके कम कर सकते, इन दोनों में एक्चुअली में फर्क क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और एक जो जेनर डायोड है वो कौन से सर्किट पे कहाँ पे लगाना है और वोल्टेज रेगुलेटर जो आईसी है उसको कहाँ पे लगाना है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे इस वीडियो में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कांति और रोबोटिक्स कांति में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो आईसी देख रहे हैं 7805 और ये जो आप देख रहे हैं जेनर डायोड 5 वोल्ट का जेनर डायोड, ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है एक्चुअली। ये जो 7805 ये भी 5 वोल्ट आउटपुट देता है और ये जो जेनर डायोड है ये भी 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट आउटपुट देता है, तो इन दोनों में फ़र्क एक्चुअली में होता है क्या है। तो देखिए, ये जो आप आईसी देख रहे हैं इसमें 7-8 इसका नंबर है और 05 जो है वो है आउटपुट का वोल्टेज का नंबर, ठीक है। अगर आपको चाहिए मान लीजिए 9 वोल्ट तो ये होगा 7809 और आपको चाहिए होगा 12 वोल्ट तो ये होगा 7812, मतलब 12, तो 12 वोल्ट आउटपुट होगा। तो ये आईसी का नंबर ऐसे निकलता है और ये जो जेनर डायोड है इसमें देखिए लिखा होगा यहाँ पे 5 वोल्ट है या फिर 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, कितना वोल्ट आपको चाहिए इसमें लिखा होगा। तो जेनर डायोड और 5 वोल्ट जो है दोनों में एक्चुअली में फ़र्क क्या है, तो देखिए फ़र्क है, ये जो जेनर डायोड है इसमें से आप लोग मान लीजिए ये 5 वोल्ट का है तो इसमें से हम लोग 5 वोल्ट ही पाएंगे, तो इनपुट अगर हम लोग 12 वोल्ट देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिया और आउटपुट को हम लोगों को क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है इस जेनर डायोड के माध्यम से, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है ये पास कर देता है ग्राउंड पे, ठीक है, तो इसमें लॉस होता है वोल्टेज का, लेकिन क्या होता है एक्स्ट्रा वोल्टेज को पास कर देता है, सिर्फ 5 वोल्ट ही इसमें से आउटपुट करने में देता है तो हम लोगों को 5 वोल्ट मिल जाता है। और क्या है, ये अगर 12 वोल्ट से हम लोग 5 वोल्ट निकालेंगे तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म होके ख़राब भी हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए जेनर डायोड 24 वोल्ट से अगर 5 वोल्ट निकालेंगे तो ये तो जल जाएगा, ठीक है, तो लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर 24 वोल्ट भी डालेंगे इनपुट, यहाँ पे इनपुट होते हैं मिडिल पे ग्राउंड और इस तरफ आउटपुट होते हैं, तो क्या होता है जब भी 24 वोल्ट डालेंगे तो ये इसको क्या करते हैं 24 वोल्ट से एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये गर्म कर देता है, करके इसमें से आउट कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज को गर्म करके इसमें से निकाल देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक हीट सिंक लगा देते हैं, लगाने के बाद क्या होता है ये जो गर्म है गर्म हीट सिंक के माध्यम से निकल जाता है, तो ये आईसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम लोगों को क्या मिलता है आउटपुट पे 5 वोल्ट मिल जाता है, तो यही फ़र्क है। और जेनर टाइप जो है इसमें देखिए एक्चुअली क्या है, इस पर आप इसका हीट सिंक नहीं लगा सकते, एक नंबर, और दो नंबर है इसका गर्म ज़्यादा गर्म हो जाता है, जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, ये धीरे धीरे गर्म होता है लेकिन ये जल्दी से गर्म हो जाता है। और एक फ़र्क है इन दोनों में, ये जो आईसी आप देख रहे हैं 7805 इसमें से स्टार्ट होता है आईसी का नंबर, मतलब 5 वोल्ट से हम लोगों को मिलेगा, इसके नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन जेनर डायोड आप लोगों को मिल जाएगा 1.5 वोल्ट भी मिल जाएगा, 2.7 वोल्ट भी मिल जाएगा, 3.9 वोल्ट भी मिल जाएगा, ऐसे करके कई वोल्टेज आप लोगों को मिल सकते हैं कम वोल्टेज। मान लीजिए हम लोगों को ये आईसी लगाना है, लगा के हम लोगों को 9 वोल्ट से 1.5 वोल्ट निकलना है, तो इसमें से सिर्फ 5 वोल्ट ही निकलता है, 1.5 वोल्ट तो नहीं निकलेगा ना, तो हम लोगों को 1.5 वोल्ट चाहिए, अगर 5 वोल्ट देंगे तो आईसी जो सर्किट है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसका कोई काम नहीं होता वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है हम लोगों को 1.5 वोल्ट का जेनर डायोड ही लगाना पड़ता है, इसलिए हम लोग जेनर डायोड को लगाते हैं, और जगह भी कम लगता है सर्किट पे, थोड़ा सा जगह ये खाता है खाके ये लग जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं, तो फर्स्ट टाइम हम लोग दिखाएंगे ये जो आईसी, मतलब 7805 का आईसी, तो इसमें से हम लोग वोल्टेज देंगे और आउटपुट में क्या वोल्टेज निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए हमने कैसे लगाया इसको, इसका जो इनपुट है इस तरफ है, मतलब ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला इनपुट हमने दे दिया,
तो मीडियल का ग्राउंड हमने दे दिया और लास्ट का आउटपुट, इसमें से पॉजिटिव आउटपुट हमने निकाल दिया और ग्राउंड तो मीडियल पे होगा क्योंकि ग्राउंड तो हमेशा सेम ही रहता है। और हम लोग एक 9 वोल्ट का बैटरी इसमें लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग बैटरी को चेक करेंगे कितना वोल्टेज का है, तो हम लोग वोल्टेज पे इसको सेट कर दिया। तो अभी इसको ग्राउंड पे लगाएंगे, ग्राउंड को ग्राउंड से लगा देंगे। तो ग्राउंड को हम लोग ग्राउंड से लगा दिया। तो हम लोग फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है इसमें, देखिए 8.4240 समथिंग, ठीक है। तो इसको अगर लगाएंगे यहाँ पे, इनपुट दे दिया, अभी देखिए 5.13, मतलब 5 वोल्ट हम लोगों को मिल रहा है आउटपुट। हमने 9 वोल्ट का बैटरी लगाया, मतलब इसमें से 8 वोल्ट निकलता है लेकिन 5 वोल्ट हमको मिल रहा है इस आईसी के माध्यम से। लेकिन इसमें अगर पकड़ेंगे तो थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा, ये बहुत ही ठंडा है अभी। तो मतलब 9 वोल्ट से आप लोग 5 वोल्ट चाहिए, जो एक्स्ट्रा जो हम लोगों का जो 4 वोल्ट है वो हीट करके निकाल देता है लेकिन उतना हीट नहीं होता है। अगर आपको 12 वोल्ट लगाना है इसमें तो थोड़ा हीट हो जाएगा, तो इसमें एक हीट सिंक लगाना पड़ता है, लगाने के बाद ये एक्चुअली में काम करते हैं। तो अभी मान लीजिए हम लोगों को क्या जेनर डायोड टेस्ट करेंगे, जैसे कि ये 5 वोल्ट का जेनर डायोड टेस्ट करेंगे इसमें। तो इसको अभी खोल देते हैं, तो इसको खोल दिया हम लोगों ने, तो इसको भी खोल देते हैं। तो ये खोल दिया हम लोग, तो इस पर इनपुट और इस पर इनपुट हम लोग देंगे। तो इसको भी इनपुट यहाँ पे लगा देंगे, तो जैसे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव पे हमने लगा दिया और नेगेटिव को नेगेटिव पे हम लोग लगा देंगे। तो देखिए इसमें 9 वोल्ट हम लोगों को मिल रहा है ना। तो अभी हम लोग जेनर डायोड 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगाएंगे। तो जेनर डायोड में देखिए एक्चुअली में क्या है, जेनर डायोड में दो तरफ दो सर है, मतलब यह भी देखिए एक ब्लैक कलर का है, मतलब इस साइड ब्लैक कलर जो है इस साइड पॉजिटिव है और जो अदर साइड है जो कोई ब्लैक कलर वैक कलर नहीं है वो है नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड को हम लोग पॉजिटिव पे लगाएंगे, नेगेटिव साइड को हम लोग नेगेटिव पे लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लगाते हैं, तो इसको राउंड कर देते हैं करके पॉजिटिव को पॉजिटिव पे नेगेटिव को नेगेटिव पे हम लोग लगा देंगे। तो लगाने के बाद देखिएगा ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें हम लोग लगा रहे हैं, तो देखिए 5 वोल्ट हो गया है, मतलब ये 5 वोल्ट अभी हो गया है। क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है वोल्टेज, आके इसमें से जेनर डायोड के माध्यम से, इस जेनर डायोड के माध्यम से ओवर वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, इसमें से बैटरी में चला जाता है। तो ये वोल्टेज लॉस होता है, इसमें भी लॉस होता है, इसमें भी लॉस होता है, और जो एक्स्ट्रा 5 वोल्ट से सिर्फ इसमें से आउटपुट करता है, तो हम लोगों को 5 वोल्ट ही मिलता है। लेकिन ये बहुत ही गर्म हो गया अभी, ये हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो इसको खोल देते हैं, मतलब हम लोग 9 वोल्ट से 5 वोल्ट निकल रहे हैं, बहुत गर्म हो रहा है। और हम लोगों को ये जेनर डायोड क्यों चाहिए, एक्चुअली में चाहिए क्यों, क्योंकि देखिए जेनर डायोड में बहुत सारे वोल्टेज अवेलेबल है, मतलब 2.7 वोल्ट अवेलेबल है, 3.3 वोल्ट अवेलेबल है, और यहाँ पे देखिए 3.9 वोल्ट अवेलेबल है, मतलब 1.5 वोल्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब आपको अगर 1.5 वोल्ट चाहिए तो क्या करेंगे, इस आईसी तो नहीं होगा, ये इसमें तो सिर्फ 5 वोल्ट ही निकलता है। तो हम लोगों को वहाँ पे जेनर डायोड लगाना चाहिए, लगाने के बाद इसमें से 1.3 वोल्ट 1.5 वोल्ट ही निकलेगा। तो यही जो दो फर्क है इसमें से, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में किसी को भी फेंक नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है और दोनों ही गलत है, मतलब दोनों का ही बैड सिस्टम है और दोनों के गुड सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं सर्किट में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय। चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।